हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पकारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द जूलिया और द न्यू हेलोइसी। जूलिया और द न्यू हेलोइसी क्या था? रोसेलो का एक पॉपुलर वर्क था। सी दो इट वाज अ नॉवल, इट वाज नॉट अ फिलोसॉफिकल ट्रीटी। राइट, ये एक उसका इम्पोर्टेंट वर्क था। अब जूलिया कौन थी? द वर्क टेल्स द स्टोरी ऑफ जूलिया एंड सेंट प्रेक्स हु दे लव्ड ईच अदर। बट क्या हुआ, ये जो सेंट प्रेक्स है उसने क्या किया, इसको उसके हस्बैंड को इनविटेशन दिया एंड ही केम बैक इन द जूलियास लाइफ। राइट, देन नेक्स्ट वन इज द रिवाइरीज ऑफ द सॉलिटरी वॉकर। रोसेलो बिगैन राइटिंग द राइवरीज ऑफ द सॉलिटरी वॉकर इन द फॉल ऑफ 1776। बाय दिस टाइम ही हैड ग्रोन इंक्रीजिंगली डिस्ट्रेस्ड ओवर द कंटामिनेशन ऑफ सेवरल ऑफ हिज वर्क, मोस्ट नोटेबल द एम्ब्लिया एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हो गया, रोसेलो है ना, वह बहुत डाउन फील करने लग गया है। क्यों? क्योंकि जो उसके काम थे, राइट, एम्लिया पब्लिश नहीं हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको भी बैन कर दिया, दोनों भी बैन हो गए उसके। और कब? एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग, वॉट एवर मे बी द रीज़न। सो ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो। उसको ऐसे लग रहा था कि बाबा, और उसको सब ने ऐसे अलग कर दिया है, नो वन लाइक्स हिम, ही हैज़ बीन रिजेक्टेड। ही स्टार्टेड गेनिंग दैट फीलिंग। The work is divided into 10 walks in which Rosello reflects on his life, what he has seen as his contribution to the public good, and how he and his work have been misunderstood. It is very interesting that Rosello returns to nature, which he had always spread throughout his career. अब रोसेलो क्या हो गया, रोसेलो वो नेचर की ओर आगे बढ़ने लग गया, लाइक वो नेचर को ज़्यादा ध्यान से देखने लग गया। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उसके मन में जो गलत विचार थे वो कहीं ना कहीं थम गए यहाँ पे। द राइवरीज ऑफ द सोलिटरी वॉक लाइक मेनी ऑफ द रोसेलोस अदर वर्क इज पार्ट स्टोरी एंड पार्ट फिलोसॉफिकल ट्रीटी। द रीडर सीज इन इट नॉट ओनली फिलोसॉफी बट ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलोसोफर लाइफ। देन रोसेलो जज ऑफ जीन चैक्यू द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस लेट वर्क ऑफन रेफर टू सिंपली एज द डायलॉग दैट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ थ्री डायलॉग। इसमें रोसेलो क्या है, ये एक फ्रेंच, इज आइडेंटिफाइड एज एन फ्रेंच मैन। राइट, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अरेंजमेंट किया है। द कैरेक्टर रोसेलो देयरफॉर रिप्रेजेंट रोसेलो, ही हैड नॉट रिटन हिज कलेक्टेड वर्क but indeed had discovered them as if he were written by someone else. Then when second dialogue kya tha, represent one of the few places that Rosello claimed his work is systematic. Kuch isme usne bataya ki baba uska kaam kitna systematic tha. He claims that there is a philosophical consistency that runs throughout his work, whether one accepts that such a system is present in Rosello's philosophy or not is a question that was not only debated during Rosello's time but is also continually discussed among contemporary scholars. Then source of influence, ek to communism, right? Rosello kya bolta hai, jahan pe political was meaningless without economic stability. Agar economic stability hai tabhi aap politics kar sakte ho wahan pe. फैमिली लाइफ, रोसेलो की फैमिली लाइफ वॉज अनहैप्पी। फैमिली की तरफ भी उसके पास कोई फेथ नहीं था, ना ही उसके बच्चों ने उस पर भरोसा किया। कैसे करेंगे, उसने बच्चों को अनाथ आश्रम में जो छोड़ दिया था। हॉबीज एंड लॉकीज, इससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। देन प्लेटो से तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। प्लेटो द राइटर हु डिड मोस्ट टू रियलाइज रोसेलोस फ्रॉम हिज इंडोलिज्म वॉज प्लेटो। Then Montesquieu in constitutionalism, Rosello was influenced by Montesquieu, who made him democratic rather than despotic. Then humble life,
one also find the influence of Rosellus' humble life in his writing and philosophy. He released the problem and difficulty of life in an ordinary man. And the last point was the Geneva. Like Geneva से उसको बहुत ज़्यादा प्यार था. Then moving towards our today's point, that is the state of nature and view on human nature. In the course of inequality, published in 1754, Rosellus started with the analyze of human nature. See, in the discourse of inequality published in 1754, Rosellus ने क्या किया? He started analyzing the human nature. उसने like human nature पे उसने analyze वक्र करना start किया. He considered the natural man living in natural surrounding or in the state of nature as a noble savage. See, उसने क्या देखा? जो natural man है वो कहाँ रहते हैं? Natural surrounding में रहते हैं और in the state of nature as a noble savage. मतलब आम इंसान क्या है? नेचर के अंदर ही रहता है, राइट? या उसके आजू बाजू नेचर रहता है. आज अपन भी तो अपने आजू बाजू अपने नेचर से अपन घिरे हुए हैं, राइट? सो आम आदमी ऐसे ही रहता है. मैन एज अ नेचुरल एनिमल लिव्ड द हैप्पी एंड केयर फ्री लाइफ ऑफ द ब्रूड विदाउट फिक्स्ड अबॉर्ड विदाउट आर्टिकुलेटेड स्पीच विद नो नीड और डिजायर दैट कैनॉट बी सेटिस्फाइड थ्रू द मेयर इंस्टिंक्ट. मैन क्या है? मैन क्या है? ये एक नेचुरल एनिमल है, बराबर है. मैन एक एनिमल है, नेचुरल एनिमल है, जो खुश रहना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी अपने मिताब से अपने हिसाब से बिताना चाहता है. उसके जीवन में किसी के भी ऐसे दखल अंदाजी वगैरह किसी को भी ज़रूरत नहीं रहती है. और क्या है? ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. कभी सेटिस्फैक्शन नहीं रहता अपने को, राइट? एक डिमांड पूरी हुई, या अपन ने इकोनॉमिक्स में देखा ना, एक इच्छा एक डिमांड पूरी हुई कि तुरंत दूसरी आ जाती है. सो सेम थिंग इज हियर. अकॉर्डिंग टू हिम मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वेर इक्वल सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ कंट्रोल्ड. सी अकॉर्डिंग टू हिम क्या है? मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर, मैन क्या है? ये क्या है? इक्वली सफिशिएंट एंड सेल्फ कंट्रोल्ड है. देयर कंडक्ट वॉज बेस्ड नॉट ऑन रीजन but on emotion of self-interest and pity. See, their conduct was based not on reason. See, वो क्या है? किसी reason से नहीं करते हैं, but emotions रहते हैं उनके इसमें, self-interest रहता है और दया रहती है. Man's first feeling was that of his own existence and his first care that of self-preservation. See, हमेशा आदमी पहले क्या देखता है? मैं पहले खुद को सेव कैसे करूँ, खुद की सेफ्टी कैसे रखो, और फिर वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व करता है, खुद को जपता है, राइट? पहले अपन अपनी इच्छा पूरी करने का देखते हैं ना, पहले अपन खुद के लिए नया ड्रेस लेने का देखते हैं. कोई फंक्शन है तो अपन क्या देखते हैं? खुद के लिए नया ड्रेस, मैं खुद कैसे अच्छी लग सकती हूँ, ये सब चीज़ों को अपन देखते हैं ना. सो इसलिए यहाँ पे बोला है मैंस फर्स्ट फीलिंग वॉज दैट ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस एंड फर्स्ट केयर क्या है? दैट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट? मैं खुद को जप के रखो, खुद को ध्यान से रखो. अब बहुत से लोग क्या है, अपने जीवन को बहुत जप के रखते हैं ना. अभी कुछ लोग क्या है, कोविड चल रहा है तो कुछ लोग घर के बाहर भी नहीं आते, नहीं कुछ भी चाहिए तो किसी और को बोलते हैं ला के दो, बट घर से बाहर खुद नहीं निकलते जल्दी. आई हैव सीन सच पीपल, राइट? अभी कोविड है, मैं मम्मी क्या गई थी ना, मेरे आस पड़ोस के आंटी, मतलब वो भी अच्छे खासे पैसे वाले गाड़ी ड्राइवर हैं उनके पास, उनको कुछ भी चाहिए ना वो ड्राइवर को फ़ोन करके बोलते हैं, अरे बाबा तू फ्री है तो मेरे को सब्ज़ी ला दे, अच्छा तू इधर जा रहे तो मेरे लिए ये सामान ला दे, बट खुद घर से बाहर नहीं निकलते कोविड के डर से. हाँ ऐसे लोग भी देखे मैंने, मतलब वो क्या है, खुद को जप रहे वो लोग. मैंस फर्स्ट फीलिंग, अच्छा हो गया, हंगर एंड अदर एपेटाइट्स मेड हिम एट वेरियस टाइम एक्सपीरियंस वेरियस मोड ऑफ एग्जिस्टेंस. सी भूख के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपन क्या है, कुछ कुछ लोगों को बहुत बुरे एक्सपीरियंस आए हैं, राइट? उसको अपना जगने के लिए कभी कभी बहुत से गलत एक्सपीरियंस से भी जाना पड़ता है. मूविंग टुवर्ड्स द
next point, that is the state of nature. Rossellus state of nature is as follow. Rossellus believed that in the state of nature all lived as isolated and had neither tie of obligation nor duty. See, Rossellus believe क्या करता है, ये जो state of nature में क्या है, हर कोई isolated है, right? Isolated मतलब उतने उतने area में ही रहने का, उतने उतना ही एक limit set करके रखने का, और neither किसी के साथ obligation है ना कोई duty है, मतलब किसी के प्रति आपकी कुछ भावना नहीं है ना ही किसी के प्रति आपकी कोई ड्यूटी है. मैन डिड नॉट नो हाउ टू डिलीवर अ स्पीच एंड हैड नो केयर फॉर ड्रेसेस. आदमी को पता नहीं है कि मेरे को दूसरों के साथ कैसे बात करना है, मेरे भावना मेरी जो फीलिंग है वो हाउ शुड आई एक्सप्रेस दैट, और ना ही वो अपने ड्रेस के लिए केयर करता है, मतलब जो चाहिए जैसे चाहिए वैसे कपड़े पहनो, मतलब उसके अंदर कोई है ही नहीं, आपको सेंस ही नहीं बनता. ही वॉज फ्री सेल्फ कंटेंटेड एंड अननोन टू सोशल गुड्स इविल और फियर. सी आदमी अपने आप से बिंदास रहता था और उसको मतलब इन सब के लाइक सोशल गुड मतलब सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए अच्छे से या फिर डर इन सब का कुछ भी पता नहीं है. He was not even afraid of death. मतलब उसको मरने से के भी डर नहीं लगता, मतलब they are ready to die, ठीक है मरना है क्या मर जाते ऐसा. He had no fear of loss of property or family because he had neither property nor family. See, उसको मतलब अरे मेरी प्रॉपर्टी ये मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी को नहीं दूंगा, इस प्रॉपर्टी में आलीशान बंगला बनाऊंगा, मेरे घर वालों को रखूंगा, ये सब उसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, ना ही इस चीज़ का डर है. क्यों? ना ही उसके पास कोई प्रॉपर्टी है ना ही उसके पास कोई फैमिली है. मैन वॉज इन पीसफुल इग्नोरेंस. सी मैन कैसा था, ही वॉज इन अ पीसफुल इग्नोरेंस. रॉसेलू रेडिकुलेटेड हॉबीज बाई सेइंग दैट अबव ऑल लेट अस नॉट कंक्लूड विद हॉबीज दैट बिकॉज मैन हैज नो आइडिया ऑफ गुडनेस. ही मस्ट बी neutrally wicked, that he is victorious because he does not know virtues, that he always refuses to do his fellow creature service which he does not think they have right to demand, or that by virtue of the right he truly claims everything he needed. He foolishly images himself the sole proprietor of the whole universe. See, abhi man was in peaceful ignorance. आदमी कैसा था, हर चीज़ ऐसे इग्नोरेंस रह के पीसफुली जी रहा था. रॉसेलूस रेडिकुलेड हॉबीज बाय सेइंग, रॉसेलू ने क्या किया, हॉबीज के अगेंस्ट किया, लाइक हॉबी के साथ रह के क्या बोला, अबव ऑल लेट अस नॉट कम, इतना सब सोच के कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं आते हैं विथ हॉबीज. हॉबीज जो बोल रहे हैं उतना ही सब सुन के समझ के अपन कंक्लूड नहीं करते हैं. क्यों? आदमी को पता नहीं अच्छी चीज़ क्या रहती है. क्यों? क्योंकि वो अंदर से एक कमीना रहता है, बराबर है ना, हर इंसान कमीना रहता है ये ना, अंदर से अपने अपने इसमें लाइक बदमाशी कमीनापन कुट कुट के भरा रहता है. सही बात है ना, अपन अच्छे के साथ अच्छे रहते हैं और अपने फायदे के लिए अपन कमीना भी बन जाते हैं. सो अबव ऑल सो ही मस्ट बी नेचुरली विकेड दैट ही इज विशियस बिकॉज ही डज नॉट नो वर्च्यूज. वो बहुत ज़्यादा विशियस है क्योंकि उसके पता नहीं है वर्च्यूज क्या है अपने. दैट ही ऑलवेज रिफ्यूसेस टू डू हिज फॉलो क्रिएचर सर्विस. सी वो अपने आसपास जो भी है अपने अड़ोस पड़ोस है उनका अच्छा कभी नहीं कर को देखता, उनकी कोई मदद भी नहीं करता है. बिकॉज विच ही डज नॉट थिंक दे हैव राइट टू डिमांड. क्यों? क्योंकि उसको लगता है उसको राइट टू उनको राइट कोई नहीं है डिमांड करने का, राइट बराबर है ना. एक अपन अड़ोस पड़ोस वालों की मदद नहीं करते क्या जब भी ज़रूरत रहती है? करते हैं ना. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंसान वो सब कुछ भी नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इनको कोई हक नहीं है सब करने का या डिमांड करने का उससे. दैट बाय वर्च्यू ऑफ राइट ही ट्रूली क्लेम्स एवरीथिंग ही नीडेड.
he foolishly images himself the sole proprietor of the whole universe. See, अभी आदमी क्या कर रहा है, वो खुद को ऐसे बता रहा है सबके सामने कि बाबा ये यूनिवर्स पूरा मेरा है, ये यूनिवर्स का करता धरता सब मैं ही हूँ, ऐसा खुद को बना रहा है ऐसे. और ऐसे जो इमेज बनाना चाहता है, ऐसे जो इमेज कर रहा है खुद की, उसको अपन क्या बोलते हैं, पागल ही बोलेंगे ना. तो बस वही बोला जा रहा है यहाँ पे. मैन कुड नॉट लीड अ सॉलिटरी लाइफ फॉर लॉन्ग, हिज सोशल इंस्टिंक्ट कंपेल्ड हिम टू लिव इन ग्रुप. सी, आदमी बहुत दिनों तक अकेला रह सकता है क्या? अपन अकेला बहुत टाइम तक रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते अपन अकेला बहुत टाइम तक. अपने को कभी ना कभी तो सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, या किसी ना किसी ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए. सोशल इंस्टीट्यूशंस बिगैन टू डेवलप ग्रेजुअली. तो क्या हो गया, सोशल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड डेवलपिंग, लाइक वी सी दिस एनजीओस, क्लब्स. क्या है, दिस आर नथिंग बट अ सोशल इंस्टीट्यूशन. इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ लव बिगैन टू शेप इटसेल्फ इनटू प्राइड, एंड मैन बिगैन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी. सी, अभी खुद से प्यार करने का, खुद को खुद ही अपन महान बोल के जीने का, और एवरीवन स्टार्टेड हैविंग देयर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी. द फर्स्ट मैन हैविंग एनक्लोज्ड अ पीस ऑफ ग्राउंड ही थॉट हिमसेल्फ ऑफ सेइंग. सी, पहला आदमी जिसने जमीन ली और वो क्या सोचने लगा, दिस इज माइन एंड फाउंड अदर पीपल सिंपली इनफ टू बिलीव हिम, वॉज द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी कैसे बनी, कि अबा एक पीस ऑफ लैंड था, उस पर एक इंसान ने बोल दिया कि अबा ये मेरा है. हाँ, एंड अदर पीपल ने ठीक है बोले, ये तेरा है ना, ओके तू रख ले. और इस तरह से क्या हो गया, सब लोग अपना अपना क्लेम करके दे स्टार्टेड फ्रेमिंग वन सोसाइटी. सॉरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी which entered the society distributed the whole atmosphere of pre-civil state. See, अभी institution of private property, अभी बहुत जन की private property रहती थी right, फिर वो society में आने लगे और क्या है, पूरा atmosphere खराब कर दिया. तो क्या है, pre-civil state हो गया. To quote Rosello himself, it came as a serpent and bit all. See, to quote Rosello himself, Rosello ने खुद को क्या कोट किया, इट बिकेम एज अ सर्पेंट एंड बिट ऑल. ही बॉट मिस्ट्री, सॉरो एंड इविल इन द माइंड ऑफ मैन हु वेर अदरवाइज गुड एंड नोबल. सी, अभी हर कोई क्लेम करता है कि बाबा ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या हो गया, यहाँ पे सोसाइटी में क्या हो गया, सॉरो आ गया, मिस्री आ गया. और लोगों के दिमाग ऐसे खराब होने लग गए, जो एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में फेथ था, गुडविल था, नोबल था, हम्बल रहते थे, वो सब अभी छूट गया. हर किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए. सो लॉन्ग एज मैन रिमेंड कंटेंटेड विद देयर रस्टी हर्ट्स एंड कन्फाइंड देमसेल्फ टू सच आर्ट एज डिड नॉट रिक्वायर सेवरल हैंड्स, दे लिव्ड फ्री, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ नो लॉन्ग एज देयर नेचर अलाउड एंड एज दे कंटिन्यूड टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट इंटरकोर्स. सो लॉन्ग एज मैन रिमेन, अभी पहले मैन कहाँ पर रहते थे, हट्स में रहते थे, और फिर वो आर्ट वगैरह कुछ तो करते थे. अब क्या है, अभी उनको बहुत से हाथ लगने लगे, बहुत से मदद लगने लग गई, सो दैट दे कंटिन्यू टू एन्जॉय द प्लेजर, ताकि वो हैप्पीली रह सके, दे कैन हैव अ हेल्दी हैप्पी लाइफ. हाँ, और नेचर से भी थोड़ा सा अलग रह सके, नेचर का भी साथ लेने लग गए, सो दैट दे कैन एन्जॉय द प्लेजर. एक्सक्यूज मी, ऑफ म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट इंटरकोर्स, ताकि वो अकेले भी रह सके और बाद में थोड़ा सा खुद का इंडिपेंडेंट भी रह सके वो. बट फ्रॉम द मोमेंट वन मैन बिगन टू स्टैंड इन नीड ऑफ द हेल्प ऑफ अदर, फ्रॉम द मोमेंट इट अपीयर्ड advantages to anyone to have provision for two. See, जैसे ही एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करने लग गया, हाँ, one man began to stand in need of help of another. उस moment से क्या हो गया, हर कोई एक दूसरे का advantage लेने लग गया, सबको ऐसे लगने लग गया कि पापा एक से भले दो, एक दूसरे का सहारा बने.
अभी इक्वालिटी डिसअपियर्ड, प्रॉपर्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अभी हर जगह जो इक्वालिटी थी, हर कोई अपना अपना जिएगा, कोई किसी के चक चक नहीं, इक्वालिटी थी। अब क्या रही, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं रही, हर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए थी क्योंकि प्रॉपर्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। या वर्क बिकेम इंडिस्पेंसेबल एंड द वास्ट फॉरेस्ट बिकेम स्माइलिंग फील्ड्स। सी अब क्या है, लोग काम क्या है अपना अपना करने लगे, और जो बड़ा फॉरेस्ट था वो उन्होंने कट करके कल्टीवेशन के लिए ले लिया था, फील्ड्स बना लिए। विच मैन हैड टू वॉटर विद द स्वेट ऑफ हिज बोरोज एंड वेयर स्लेवरी एंड मिसरी वेयर सून सीन टू जर्मिनेट एंड ग्रो अप इन द क्रॉप। सी अभी आदमी को क्या है, मेहनत करना पड़ रहा है, खुद का पसीना बहाना पड़ रहा है, और काम करने के लिए वो कुछ लोगों को भी अपॉइंट करने लग गया, तो यहाँ पे क्या है, स्लेवरी आ गई। स्लेवरी है, स्लेवरी यानी मजदूर लोग आ गए, और मजदूर लोग से अपन बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, और ये सब खुद का पसीना भाव, स्लेवरी, ये सब के बाद क्या होता है, क्रॉप गो होने लग गए। अकॉर्डिंग टू ए हैकर फॉर अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी सेट एज एन इगोइस्टिक स्टैंडर्ड फॉर सक्सेस। सी अभी सोशल सिस्टम में क्या हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहना एक इगोइस्टिक स्टैंडर्ड हो गया, और मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसे बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए लोग, और वो सक्सेसफुल माने जाने लग गए। तो क्या है, हर कोई अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदने लग गया। एंड ऑल मैन केम टू फील दैट दे मस्ट ओन प्रॉपर्टी। अब हर किसी को ऐसा हो गया कि यार मुझे भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, सो दैट इवन आई स्टैंड एज अ रिच पर्सन, इवन आई कैन स्टैंड समवेयर इन द सोसाइटी, आई कैन बी सुपीरियर टू अदर मैन एंड ऑल। और प्रॉपर्टी रहा यानी क्या, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, ये सब पता चलता है। सो ये फीलिंग जनरेट होने लग गई। नॉट ओनली मैन केम टू जज देमसेल्फ एज अ सक्सेसर और फेलियर बाय सोशल स्टैंडर्ड, दे ऑल्सो बिकेम कंपल्सिव अबाउट द वे दे वर व्यूड बाय दोज हु लिव्ड अराउंड देम। सी नॉट ओनली मैन केम टू जज देमसेल्फ, अभी मैन क्या है, वो ऐसे जज करने लगे सक्सेस और फेलियर बाय सोशल स्टैंडर्ड, दे बिकेम कंप्लेसिव अबाउट द वे दे वर व्यूड बाय। अभी सिर्फ सोशल स्टैंडर्ड्स वगैरह का ध्यान दें, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए, राइट। मतलब सक्सेस फेलियर ये सब तो था ही था, इसके अलावा भी क्या है, सब हर कोई सोचने लग गया, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगी एंड ऑल। द प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और क्या होगी, सोसाइटी स्टार्टेड डिवाइडिंग इन टू रिच एंड पुअर। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर भी हो गया वहाँ पे। दस द होल रीजन कॉज डिफरेंस इन मैनर ऑफ लाइफ अमॉन्ग मैन। तो क्या हो गया, अभी बहुत से रीजन क्या हो गए, सबके लाइफ अलग अलग हो गए। मैन बिगैन टू टेक इन टू अकाउंट द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू मेक कंपेरिजन। अभी क्या है, हर आदमी क्या करने लग गया, यहाँ पे कंपैरिजन करने लग गया, हर चीज़ का कंपैरिजन होने लग गया यहाँ पे। लाइक कोई भी चीज़ दो, अरे उसको तो तूने ये, अभी फ्रूट बोलो, फ्रूट अभी सब्जियाँ देखो, अगर आप पीछे झोपड़पट्टी में जाओ, अगर टमाटर यहाँ पे 40 रुपया किलो बोलते हैं यहाँ पे सोसाइटी में, बड़े बड़े सोसाइटी में, तो वही अगर आप पीछे झोपड़पट्टी या थोड़ा सा स्लम एरियाज में वगैरह जाओ, तो वही वो टमाटर कितने में बोलते वो लोग, 30 या 35 रुपीज़ में बोलते हैं, राइट। ये क्या है, डिफरेंस हो गया ना, हर चीज़ का कंपैरिजन होके। तो ये तो एकदम मैंने एग्जांपल एकदम छोटे लेवल का दिया है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। इन कॉन्सिक्वेंसेज दे एक्वायर द आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड मेरिट विच सून गेव राइज टू द फीलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। सी ब्यूटी, मेरिट, इन सब ये आइडियाज़ भी आ गए, तो सून क्या है, प्रेफरेंसेस भी आ गए, अरे शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, चलो मैं उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफन सीइंग ईच अदर दे वुड नॉट डू विदाउट सीइंग ईच अदर कॉन्स्टेंटली। सब क्या है,
एक दूसरे को देखने लग गए और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी बेटर, अ टेंडर एंड प्लीजेंट फीलिंग इंसेंकुलेटेड इट सेल्फ इन टू दियर सोल एंड लीस्ट अपोजिशन टर्न इन टू एन इम्पेल्टस फरी विथ लव अरोज जेलसी डिस्कॉर्ड टम्पर्ड एंड ह्यूमन ब्लड वॉज सेक्रीफाइस टू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पैशन। अब क्या था, जो सब में एकता की फीलिंग थी, सब एक थी, ये फीलिंग थी, अब क्या हो गई, वो फूल फीलिंग सारी चेंज हो गई। अब सबको क्या है, मैं सब अपना अपना देखने लगे, हर किसी को अपोज करने लग गए, राइट। जहाँ पे प्यार की भावना थी, अब इट हैज टर्न्ड इनटू अ जेलस वन, राइट। अभी हर किसी को बुरी नज़र से देखना है अपने को, लाइक किसी का भी अच्छा नहीं देख सकते, उसका अच्छा हो रहा है ना तो मेरे को मेरा डबल अच्छा चाहिए, ऐसी भावना आने लग गई, राइट। तो हर किसी में क्या है, पैशन जग गया, दूसरों से कितना अच्छा दिखना है, दूसरों सबसे अच्छा दिखना है, एवरी वन गॉट दैट पैशन ओवर हियर। विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर, द सिक्स पॉइंट बड़ा है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही चालू करते हैं ये सिक्स पॉइंट। मीनवाइल रीड द टॉपिक वेल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी, माई मेल आई डी इज rasika.pagaria@theratearahamedu.in। थैंक यू।